नमस्कार, मैं हूँ सानिया राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार के जमुई आए हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। वहीं आपको बता दें कि वहाँ पे उन्होंने 28 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, विकास और राम मंदिर को लेकर कई तरह की बातें बोली हैं। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी, जिनसे जानते हैं कि आखिर इनका क्या सोचना है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लालू जो हैं, लालू प्रसाद यादव, वो एक तरीके से लैंड फॉर जॉब मामला जो हुआ था उसमें दोषी हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि रेलवे की जो नौकरियां हैं वो लालू प्रसाद यादव ने पैसे लेकर लिया है, किया दिया है उन लोगों को। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं वो अपनी बात पर टिके नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अजीत पवार के संबंध में कि देश का सबसे भ्रष्टाचारी, 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, नेशनल करप्ट पार्टी का नेता। और उसी अजीत पवार को 5 दिन बाद आपने अपने साथ मिलाया और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल किया और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र बनाया। ये कौन सा पैमाना है प्रधानमंत्री जी? क्या उनका भ्रष्टाचार, उनका जो जांच चल रहा था वो जांच प्रक्रिया से बरी हो गए? जो आपने उनको अब अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके भ्रष्टाचारी को सदाचारी बना लिया, इस तरह की राजनीति का पैमाना अगर कोई सीखे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे, भारतीय जनता पार्टी से सीखे। नारायण राणे के संबंध में इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था, हेमंत बिश्व शर्मा के संबंध में क्या कहा था, शुभेंदु अधिकारी के संबंध में क्या कहा था और अशोक चौहान के संबंध में इन्होंने कहा था। घोटाले में भी आदर्श होते हैं, पहली बार मैं सुन रहा हूँ आदर्शवादी घोटालेबाज। प्रधानमंत्री जी उसी आदर्शवादी को, उसी आदर्श वाले घोटाले को आपने अपने साथ मिलाया और महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य बनाने का काम किया। कौन सा पैमाना है ये भी तो स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, जो इनके खिलाफ मुखर होता है, जो इनके खिलाफ इनकी राजनीति को जनता के बीच में बेनकाब करता है, जनता के बीच में बताने का काम करता है कि हम मोदी को नहीं, मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाना चाहते हैं, तो इनको वो चीज़ पसंद नहीं है। इसीलिए ये अपने जो एजेंसी है, जो इनका सेल है, उस सेल के माध्यम से पहले डराने का काम करते हैं। जो लोग डर जाते हैं उनको अपने साथ मिला लेते हैं और उनके सारे आरोप और सारे मामले क्लोज कर दिए जाते हैं, तब तक के लिए जब तक वो डरते रहें। जिस दिन वो डरना बंद करते हैं फिर से उनके मामले को खोल दिए जाते हैं और उनको जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम किए जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचडी रमन्ना साहब ने कहा था कि इन एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए और जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों के लिए अलग से आयोग बनाए। लेकिन अफसोस की बात है कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो निर्देशित किए गए थे मामले, उस पर कोई काम नहीं किए गए, बल्कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जब ईडी के चीफ को एक्सटेंशन से रोका गया तो इन्होंने पिछले दरवाजे से पुनः एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया। ये कौन सा पैमाना है ये स्पष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है और दोहरी राजनीति का पैमाना देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता पहचान चुकी है और आने वाले चुनाव में देश की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। चूँकि ये जिस तरह का राजनीति करते हैं उस राजनीति का पोल खुल चुका है। नीतीश कुमार को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे तो बिहार जो है वो दलदल में गिरते जा रहा था, तो क्या अब वो एनडीए में आ चुके हैं, तो क्या आप क्या लगता है कि अब दलदल? ये तो अब बिहार की जनता ने 17 महीने का जो महागठबंधन सरकार का कार्यकाल रहा, जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में नौकरी और रोजगार के काम हुए, जो 75% आरक्षण की व्यवस्था हुई और जिस तरह से हमने जातीय गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की, उसके बाद से देश का और बिहार का एक एक आवाम अब कहता है कि अगर देश में नेतृत्व और देश के अंदर
बेहतर सोच वाला अगर कोई नेता है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। और बिहार की जनता ने जन विश्वास के माध्यम से जो तेजस्वी जी के नेतृत्व को समर्थन दिया, जो नेतृत्व के प्रति विश्वास जगाया, वो स्पष्ट रूप से दिखा। इसीलिए बेचैनी में, बौखलाहट में प्रधानमंत्री जी हर दो दिन के बाद बिहार आएंगे और बिहार में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहे जितना बार भी आ लें, अब बिहार और बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व पर, तेजस्वी जी की सोच पर, तेजस्वी जी के नौकरी और रोज़गार पर मुहर लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है। और आने वाला चुनाव देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा बिहार से। और बिहार में जो तेजस्वी जी ने माइंडसेट लोगों का स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर नफरत नहीं, नौकरी और रोज़गार चलेगा, यहाँ पर धर्म और भरम नहीं, यहाँ पर 75% आरक्षण के साथ शोषितों वंचितों को अधिकार चलेगा। और उस दिशा में हम जो आगे बढ़ चुके हैं वो जनता और जनता की उम्मीदों के साथ हम खड़े हैं और जनता के विश्वास के साथ खड़े हैं, जनता के सवालों के साथ खड़े हैं और मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमारे साथ, मुद्दों के साथ खड़ी है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। राम मंदिर को लेकर भी कहा है उन्होंने कि राम मंदिर के विरोधी अभी भी उसी तरीके से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। देखिए, धर्म का काम है धार्मिक व्यक्ति को करना, और धर्म में जैसे ही राजनीति को सामने लाया जाता है, ये कहीं ना कहीं पूरी राजनीति को और पूरे समाज को प्रदूषित कर देता है। ये 22 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आ गया और भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया कि देश में अब भरम और धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। देश में चलेगा तो नौकरी और रोज़गार की राजनीति चलेगी, देश में चलेगा तो गरीबों, शोषितों, वंचितों को अधिकार देने की राजनीति चलेगी, जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के बूते की बात नहीं है। एक आखिरी सवाल, पप्पू यादव ने नामांकन भर दिया है अब पूर्णिया से, इधर से RJD की तरफ से बीना भारती भी खड़ी हैं, क्या लगता है कि ये जो नामांकन है वो रद्द होगा? देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है जी, और जो सीट इंडिया गठबंधन ने अपने अपने फोल्ड के लिए निर्धारित किए, उस सीटों पर जिनको जो सीटें मिली हैं उस सीटों पर उम्मीदवार नामांकन भी कर रहे हैं। कल बीमा भारती जी ने इंडिया गठबंधन की ओर से नामांकन किया, उसमें नेता प्रतिपक्ष प्रसाद यादव जी के साथ सारे इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के नेता शामिल थे। और स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन के संबंध में कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बीमा भारती जी ही इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं, और बीमा भारती पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दलों के उम्मीदवार हैं। और एकजुटता के साथ हम बड़े उद्देश्यों और बड़े लक्ष्यों को लेकर के चुनाव मैदान में हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, हम नफरत की राजनीति को समाप्त करने का जो संकल्प है उसको देखना चाहते हैं, तो वैसे लोग अब अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वो किनको मदद पहुंचाना चाहते हैं और किनके लिए राजनीति करना चाहते हैं। अगर बड़े लक्ष्य, बड़े उद्देश्यों में वो हर्डल बनेंगे तो जनता उनको और उनकी नीतियों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम करेगी और बताने का काम करेगी कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के सिंबल पे ही लड़ रहे हैं ना पप्पू यादव, तो ये तो कांग्रेस के लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो बीमा भारती जी हैं और बीमा भारती जी के साथ हम लोग खड़े हैं, तो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ने का सवाल कहाँ पैदा होता है। और कांग्रेस ने स्पष्ट जब कर दिया है तो अब इस पर कोई चर्चा की आवश्यकता भी नहीं है, और हमको नहीं लगता कि इस पर और अधिक कोई चर्चा किया जाए। सब अपना अपना चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले उनको और उनकी जो राजनीतिक सोच है और जो वो कहते हैं कि हम नफरत के माहौल को समाप्त करके राहुल जी के मोहब्बत की राजनीति को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, तो वो बीमा भारती जी और बीमा भारती जी के साथ जो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, जो राहुल गांधी जी खड़े हैं उनके साथ वो खड़े दिखाई दें, तभी लगेगा कि हाँ सच और सच्चाई के रूप में वो राहुल जी के प्रति अपना विचार रखते हैं और अपनी सोच रखते हैं।
तो आपने सुना कि एजाज अहमद जी ने क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी विकास, भ्रष्टाचार और राम मंदिर को लेकर भाषण दिया, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा एजाज अहमद जी ने इसको लेकर, आपने सुना उसकी। वहीं आपको बता दें कि पप्पू यादव को लेकर भी इन्होंने यही कहा है कि पप्पू यादव जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन जो है उसने साफ तौर पर ये कह दिया है कि बिना भारती ही असली उम्मीदवार हैं पूर्णिया से, पप्पू यादव को ना टिकट दी गई है, वो अपने मनमानी कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।